हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज हम आए हैं कटरा जैमल सिंह सर, वहाँ पर सभी गुर्जर वालों की कार्ड है। 30 साल हो गए उनको ये कार्ड लगाते हुए। काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आता है। गोल्डन टेम्पल से सिर्फ 4-5 मिनट का रास्ता है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और इनसे बात करते हैं। सत श्रीकाल सर। क्या नाम है आपका? पब्बी कुलचे वाले। ठीक है। और कितनी देर हो गई यहाँ पर लगाते हुए? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। और कितने बजे आ जाते हैं? 7 बजे आ जाते हैं। और कितना टाइम रहते हैं बाद में? 3:30 बजे। 3:30 बजे छुट्टी करते कोई? छुट्टी किसी भी दिन कर सकते हैं। बुधवार। ठीक है। और कौन कौन से कुलचे तैयार करते हैं आप? आलू का कुलचा। ठीक है। मिक्स है, गोभी का, पनीर का। और नान टाइप कुलचे बनाते हैं? नरम नरम जो खोले, जो परोठी टाइप होते हैं कुलचे। ठीक है। और चने वगैरह? नान नमक लगता। नमक से वो डलता है इसमें? सिर्फ नमक का। ठीक है। चटनी वगैरह दिखा दें। इमली में? इमली पड़ते हैं थोड़ा, लाते हैं थोड़ा, सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। ठीक है। और ये क्या बढ़ रहा है? ठीक है। कितने का कुलचा देते हैं आप? कुलचा देखो 50-60 रुपए का देते हैं। ठीक है। ये आपने पिठी बनाई आलू वाली? दिल्ली के लिए पिठी है, प्याज, हरी मिर्च। ठीक है। इसमें मसाले वगैरह सारे खड़े डाले हुए? मसाला पड़ा हुआ। ठीक है। और ये कुलचे की तह लगाई है, ये सूखे मसाले मिक्स करके डालते हैं? ये कितनी तह लगाते हैं? काफी लगती है। चिल्ली बना देते एक बार सुबह, इसी में से पेड़ा लेके इसमें फिल करते हैं आलू को, कुलचा लगा देते हैं। 10-15 होगी लहने इसमें, है ना? ठीक है। और टूरिस्ट वगैरह काफी आते हैं इधर? हाँ जी, टूरिस्ट ही आते हैं। ठीक है। ऐतवार आते हैं, व्यापारी बहुत आते हैं। ठीक है। कुलचा तैयार करने लगे जी? हाँ जी, हाँ जी। इसमें फिलिंग वगैरह आपने डाल दी? सब डाल दिया जी। स्टेप इसको हाथ से फिनाएंगे और बेलने से करेंगे? बेलने से करेंगे। ठीक है। तो नूर में कितने कुलचे लग जाते हैं जब रश हो? 16-17 कुलचे लगते हैं। 16-17 कुलचे लग जाते हैं। ठीक है। 100 रुपये आ गए जी। देसी नया है कि पहले भी आते हैं? पहले भी आते हैं हम, जब भी दिल्ली से आते हैं यही पास से इन्हीं इनके पास आते हैं और खाते हैं, बड़ी कुलचे वाले के पास। और टेस्ट वगैरह आपको अच्छा लगा? सिंपल तरीके से होता है और नरम सॉफ्ट भी बनाते हैं। परोठी टाइप ऐसे तो थोड़े कुरकुरे आकरे आकरे होते हैं ना, खाए नहीं जाते, जो सॉफ्ट होते जो ऐसे तैयार होने लगी है। कितनी देर में कुलचा तैयार होकर निकलेगा? 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं। ठीक है। लो जी, आप प्लेट तैयार करें। ये चने डाल रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। चने भी आपके अच्छे हैं सब्जी वाले? ये चटनी आ गई इमली प्याज वाले। ठीक है। ठीक। कुलचा भी बढ़िया लाइट कलर का कुलचा लगा है, ये बेसिकली लग गया। और इसके ऊपर मक्खन लगेगा? मक्खन आ गया जी, अमूल बटर का मक्खन लगेगा। ठीक है। ये कितने का हो गया कुलचा? ये 50 रुपये। 50 रुपये का कुलचा। ठीक है। लो जी। ठीक है। तो दोस्तों देखे, हमारे लिए सरदार जी ने कुलचा तैयार कर दिया है। बब्बी कुलचा वालों ने 30-35 साल हो गए इनको अपने कार्ड चलाते हुए। काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं और जो पक्के ग्राहक हैं यहीं पर आके नाश्ता वगैरह करके जाते हैं। तो कुलचा इनका बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जैसे आप 80-90-100 रुपये का इसके ऊपर भी रेट होगा तो वो खाएँगे, उससे भी ज़्यादा बढ़िया। इन्होंने कुलचा लगाया बिल्कुल सॉफ्ट है और देसी घी लगाया ऊपर, मक्खन लगाया और चने हैं और इमली प्याज की चटनी है। अगर आप इधर कटरा जैमल सिंह पर आए, कॉर्नर पर ही इनकी दुकान है, टाली साहब के बाहर, और 5 मिनट का रास्ता है गोल्डन टेम्पल का। आसानी से आप इनके पास आ सकते हैं और कुलचा ट्राई कर सकते हैं और हम उसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी इधर आएँ तो ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।